सी कांग्रेस कमेटी के संदीप दीक्षित ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 1998 और 1999 में 64% बच्चे पास होते थे, परंतु अभी ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। पर आम आदमी पार्टी सरकार ने तो सुनी नहीं होगी। कोई भी सरकार आती है तो शिक्षा प्रतिशत बढ़ता है, पर लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार के नेतृत्व में जैसे तैसे 4% ही बढ़ रहे हैं। तो क्या आप इसे शिक्षा का मॉडल कहते हो? मैं पिछले कई वर्षों से, खासकर 2018-19 से जो आम आदमी पार्टी के काम रहे हैं दिल्ली में, उस पर अक्सर अपनी बात रखता रहा हूँ, अपनी टिप्पणी देता रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो सरकार की गंभीर और ऐसी नाकामियां हैं उसको उजागर करता रहा। धीरे धीरे समय निकला और आम आदमी पार्टी ने आप अपने जो भी उसको समझ थी, उसकी काम की, उसको एक नई तरीके से नए नए नाम लेकर, जिसको विशेषकर आजकल एक बड़ा नाम चलता है जिसको मॉडर्न कहा जाता है, उस नाम पर उसने अपनी बातों को अक्सर लोगों के बीच में डालने की कोशिश की। तो मेरा संवाद चला, हमने कोशिश की, पार्टी से भी बात हुई कि नहीं जो चल रहा है। देखिए, एक होता है कि चलिए थोड़ा बहुत आपकी उपलब्धि है उसके बारे में आप डींगे मार लीजिए, लेकिन जब ये दिखता है कि सरासर ऊपर से नीति तक जो चीज कही जाती है वो या तो झूठ होती है या किसी दूसरे के काम पर आधारित होती है, तो डायरेक्ट बनता उस बात को सामने उसका उजागर करने का। और इसलिए आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसका जो शिक्षा का मॉडल है, खासकर जो जिसे कहते हैं उनके सबसे ओपनिंग बैट्समैन जो होते हैं वो शिक्षा की बात करते हैं, उस पर मैं कुछ तथ्यों के साथ असली हकीकत दिल्ली की रखना चाहता हूं। पहली चीज जो जिसके बारे में कहा जाता है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का, और ये बार बार उसमें अपने रिजल्ट की बात करते हैं, रिजल्ट के पीछे की हकीकत तो दो आंकड़ों में ही अपने आप स्पष्ट हो जाती है। 1998-99 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो दिल्ली सरकार के जो स्कूल थे 12वीं में, उसमें 64% बच्चे पास हुआ करते थे 98 में। ये 64% बच्चे 2013-14 में, जब समझ लीजिए सरकार तो हमारी हारी है दिसंबर में, लेकिन आप समझ लीजिए 13-14 का जो रिजल्ट था 89% या 89% पहुंच गया, मतलब 25% के करीब, 25% के करीब रिजल्ट हमारा बढ़ के आया। लेकिन आपने उस समय ना कोई मॉडल की बात सुनी होगी, ना ढिंडोरे की, ना बैंड बाजे की बात सुनी होगी, तो 89% तक पहुंचा था। अमूमन आप मानिए 15 साल में अगर 25% बढ़ रहा है तो 1.5% के करीब रिजल्ट हमारा हर साल बढ़ा करता था। और कोई भी सरकार उसके बाद आती तो हर साल 2-1.5% तो बढ़ना ही बढ़ना था। वही आज हाल है, आज इनका 12वीं में 96% है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये कौन सा मॉडल है भाई कि 26% जब बढ़ता है तो मॉडल नहीं माना जाता है, और मुश्किल से 8% में रेंगते 7% बढ़ता है उसको आप मॉडल मान लेते हैं। और वही नहीं, 2013-14 में करीबन 1,60,000 बच्चों ने 12वीं का इम्तिहान किया था।